कोर्ट से बेल मिलने के बाद एक्शन में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सीएम। आम आदमी पार्टी दफ्तर में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, जेल से निकलने के बाद से बीजेपी पर हमलावर हैं सीएम केजरीवाल। अंतरिम जमानत मिलने के बाद एक्शन में दिल्ली में सीएम केजरीवाल, बुलाई बड़ी बैठक, दिल्ली के सभी विधायकों के साथ मंथन। अरविंद केजरीवाल के 75 साल वाले बयान पर सियासत तेज, बीजेपी लगातार अरविंद केजरीवाल पर कर रही पलटवार। गृहमंत्री अमित शाह का अरविंद केजरीवाल के बयान पर पलटवार, कहा मोदी जी 75 साल के हो जाएं, इससे एनडी गठबंधन खुश ना। मोदी जी 75 साल के हो जाए इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। मोदी जी ही ये टर्म पूरी करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। सीएम केजरीवाल पर गिरिराज सिंह ने भी घेरा, कहा केजरीवाल पीएम मोदी के सलाहकार ना बने, देश की जनता जब तक पीएम मोदी को चाहेगी तब तक वो देश को दिशा देंगे। केजरीवाल नरेंद्र मोदी के एडवाइजर ना बने, देश की जनता जब तक नरेंद्र मोदी को चाहेगी देश को दिशा देंगे, जिसके बाद भी देश की जनता चाहेगी तो नरेंद्र मोदी रहेंगे। गिरिराज सिंह ने कहा केजरीवाल डरे हुए हैं और अभी तो जेल से पैरोल पर आए हैं, अरविंद केजरीवाल एक ऐसे व्यक्ति का नाम है जो अपनी बातों पर ही नहीं टिकते। आप नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने भी पीएम मोदी की उम्र का मुद्दा उठाया, कहा जब से केजरीवाल ने बताया कि पीएम 75 साल के होने वाले हैं उसकी चर्चा भाजपा का हर पदाधिकारी कार्यकर्ता कर रहा है। गोपाल राय ने कहा अरविंद केजरीवाल के बयान से भाजपा में कल से भूचाल आया हुआ है, बीजेपी सरकार की तानाशाही को खत्म करना जरूरी है। केजरीवाल जी ने सार्वजनिक तौर पर वो बात उठाई, मोदी जी ने खुद 75 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के रिटायरमेंट का नियम बनाया और अब वो 75 साल के होने जा रहे हैं, तो 75 साल के होने के बाद वो खुद रिटायर। पीएम मोदी के रोड शो के लिए तैयार है पटना, इतिहास में पहली बार देश के पीएम का पटना में रोड शो। रोड शो को लेकर पीएम के रूट को दुल्हन की तरह सजाया गया, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। रोड शो भट्टाचार्य रोड से शुरू होकर ठाकुरबाड़ी रोड से होते हुए गांधी मैदान के उद्योग भवन पर पहुंचेगा। पीएम की यात्रा को लेकर पटना एयरपोर्ट से गांधी मैदान तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, 100 अधिकारी, 250 मजिस्ट्रेट, 300 पुलिस अधिकारी और 2500 जवान रहेंगे तैनात। पीएम के रोड शो का रूट पर आपको बता दें, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और पटना साहिब से बीजेपी उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद समेत कई नेताओं ने रोड शो का जो रूट है उसका जायजा भी लिया। 2 दिवसीय बिहार दौरे के दौरान पीएम मोदी 3 लोकसभा क्षेत्रों में भरेंगे हुंकार, हाजीपुर, वैशाली, सारण में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। पीएम के रोड शो से पहले लालू यादव ने पीएम मोदी पर बोला हमला, कहा बड़े बड़े आसमानी वादों में से एक भी पूरा नहीं हुआ। लालू यादव ने पीएम से पूछा सवाल, कहा बरस हो गए, क्या हुआ तेरा वादा, जो पीएम एक छोटी सी चीनी मिल नहीं खुलवा सकता हो। लालू ने कहा जो प्रधानमंत्री रत्ती भर भी वादा पूरा ना कर सका हो, ऐसे पीएम रोड क्या चाहे गली गली घूमकर नुक्कड़ नाटक करें, इससे बिहार को फायदा क्या होगा। मिशन बंगाल पर पीएम मोदी बैरकपुर में बोले, कहा कांग्रेस ने पूर्वी राज्यों को अविकसित छोड़ा, सामर्थ्यवान राज्यों में पलायन ठीक नहीं, सारे बंद कारखाने खुलवाएंगे। पीएम की दूसरी सभा हुगली में होगी, यहां वो भाजपा उम्मीदवार लॉकेट चटर्जी के समर्थन में चुनचुड़ा में करेंगे प्रचार। पीएम आरामबाग के पुरशुरा में बीजेपी उम्मीदवार अरूप कांति दिगर के समर्थन में यहां सभा करेंगे। मोदी के दिन की चौथी और आखिरी सभा हावड़ा सांकराइल में होगी। वाराणसी के 80 घाट पर पूजा और काल भैरव से आशीर्वाद लेकर पीएम मोदी भरेंगे नामांकन, 14 मई को वाराणसी संसदीय सीट से पीएम मोदी करेंगे नामांकन दाखिल। वाराणसी में भी शुरू हो चुकी हैं तैयारियां, कल शाम को वाराणसी पहुंचेंगे पीएम, नामांकन से पहले वाराणसी में पीएम मोदी करेंगे शक्ति प्रदर्शन। 13 मई यानी कल शाम 5 बजे पीएम मोदी का वाराणसी में होगा भव्य रोड शो, नामांकन से पहले परंपरा के मुताबिक पीएम रोड शो के जरिए जनता से मुखातिब होंगे। 14 मई को सुबह 80 घाट जाएंगे और फिर 10:15 बजे काल भैरव में पूजा करेंगे, फिर सुबह 11:40 पर पीएम मोदी नामांकन भरेंगे। नामांकन से पहले 11:15 बजे एनडीए नेताओं के साथ बैठक करेंगे पीएम, यूपी की सीटों को लेकर मंथन और आगे के चरण की चुनौतियों को लेकर यहां पर होगी रणनीति।
केजरीवाल के समर्थन में आपने निकाली साइकिल रैली, आप मुख्यालय से इंडिया गेट तक युवाओं ने निकाली साइकिल रैली। साइकिल रैली के दौरान आप नेता गोपाल राय ने कहा, देश और संविधान बचाने की लड़ाई है, तानाशाह हटाओ देश बचाओ। सिख विद मोदी अभियान को लेकर दिल्ली में बीजेपी की बाइक रैली, भारी संख्या में सिखों ने लिया हिस्सा। दिल्ली की सड़क पर आज तस्वीर थोड़ी अलग है, क्योंकि दिल्ली बीजेपी की तरफ से या कहा जाए कि आज सिख विद मोदी इस तरीके की रैली का आयोजन था, यानी उसका एक मैसेज देने की कोशिश थी। ये रैली का मकसद है एक साथ देना, क्योंकि दिल्ली में जो बीजेपी है, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि उनके साथ मोदी जी के साथ तमाम सिख हैं। ओडिशा के संबलपुर में केंद्रीय मंत्री और संबलपुर से बीजेपी उम्मीदवार धर्मेंद्र प्रधान का अनोखा रूप दिखा, लॉन बॉल समर कोचिंग कैंप के दौरान खिलाड़ियों से बातचीत की, लॉन बॉल भी फेंका। मतदान के एक दिन पहले चुनाव प्रचार का शोर थमने के साथ ही तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने खेली फुटबॉल, आज सुबह फुटबॉल खेलकर दिन की शुरुआत की। बिहार के समस्तीपुर में खड़गे के हेलीकॉप्टर की तलाशी के बाद सियासत गरमाई, प्रशासन के रवैये पर कांग्रेस ने जताई आपत्ति, कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा प्रशासन का रवैया पक्षपातपूर्ण है। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने नाराजगी जताते हुए आरोप लगाया, कहा कितने बीजेपी नेताओं के हेलीकॉप्टर की तलाशी ली गई, साथ ही कहा खड़गे के खाने के डिब्बे और उनकी दवाइयों को भी नष्ट किया गया। तलाशी के दौरान कोई भी संदिग्ध नहीं पाया गया, तलाशी के बाद हंगामा शुरू, मामले को लेकर स्थानीय नेताओं ने आपत्ति जताते हुए कार्रवाई को अनुचित बताया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के दौरे पर कौशाम्बी, रायबरेली और गोंडा में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए करेंगे जनसभा। अमित शाह की पहली सभा कुंडा विधायक राजा भैया के गढ़ में होगी, यहां वो पार्टी प्रत्याशी विनोद सोनकर के समर्थन में प्रचार करेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अमेठी में करेंगे प्रचार, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के लिए मांगेंगे वोट। पांचवें चरण के लिए प्रचार में जुटे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज बाराबंकी में, दोपहर 12:30 बजे 2:30 बजे मोहनलालगंज में करेंगे रैली। 10 राज्यों की 96 सीटों पर थमा है चुनाव प्रचार, यूपी की 11, महाराष्ट्र की 11, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में 8 और बिहार की 5, ओडिशा और झारखंड की 4-4 सीटों पर मतदान होना है। चौथे चरण में आंध्र प्रदेश की 25 सीटों के साथ साथ तेलंगाना की भी सभी 17 सीटों पर चुनाव होना है। कन्नौज से अखिलेश यादव, श्रीनगर से उमर अब्दुल्ला, बेगूसराय से गिरिराज सिंह, बहरामपुर से अधीरंजन चौधरी, कृष्णानगर से महुआ मोइत्रा और आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा की किस्मत दांव पर। चौथे चरण के लिए प्रचार प्रसार खत्म होने के साथ ही 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदान की प्रक्रिया भी आपको बता दें यहां पर, और कुल मिलाकर 381 सीटों पर संपन्न हो जाएगा मतदान। राष्ट्रपति कोटे से राज्यसभा सीट के नाम पर करोड़ों की ठगी, पुलिस के हत्थे चढ़े तो खोले कई राज। खुद को राष्ट्रपति का प्रोटोकॉल अधिकारी बताकर ठगी करने वाले गिरफ्तार, पुलिस ने आरोपियों की पहचान नवीन कुमार सिंह और नानक दास के रूप में की। दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है पुलिस, ठगी के पैसे से आरोपियों ने बिहार और दूसरी जगह संपत्तियां खरीदी। हिसार लोकसभा से जेजेपी की प्रत्याशी नैना चौटाला का घोगड़िया और रोजखेड़ा गांव में विरोध। जींद के उचाना विधानसभा क्षेत्र में पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की मां नैना चौटाला की गाड़ी पर पत्थरबाजी।